हाय फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल किचन शिल्पी एंड क्रिएशन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पाव भाजी की रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को मेरे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ आज हम डिलीशियस पाव भाजी बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये ले लेंगे उबले हुए आलू, और उबले हुए आलू को पहले ही हम इस तरीके से मैश कर देंगे। मैशर अगर जिसके पास नहीं है तो उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इस तरीके से हम किसी कांटे की सहायता से या फोर्क की सहायता से इस तरीके से आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद उसके बाद हम इसे बनाएंगे। अगर इसे हाथ से तोड़ के इस तरीके से बनाएंगे तो फिर मैशर की आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के हमें। तो यहाँ मैंने पहले ही आलू को बढ़िया बारीक कर लिया है इस तरीके से। तो यहाँ अच्छे से इसे इस तरीके से हम मैश करेंगे। और बरसात का समय है तो पाव भाजी तो बनता है, पाव भाजी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, चटपटा स्पाइसी। तो यहाँ मैंने 4 से 5 उबले हुए टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को मैंने पहले ही उबाल लिया है और इसका छिलका हम उतार दिए हैं। उसके बाद इसे किसी चॉपर की सहायता से या मिक्सी में भी आप इसे बारीक ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम टमाटर को भी, ये देखिए, इस तरीके से प्यूरी बना लिए हैं टमाटर का। अब यहाँ इसे हम तैयार करेंगे लोहे की कढ़ाई में। तो पहले कढ़ाई को अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। तो गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे हम लगभग 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। और उसके बाद डाल देंगे हम लगभग 50 ग्राम बटर। बटर को अगर पहले डाल देंगे तो बटर जल जाएगा, इसलिए यहाँ सबसे पहले कोई कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, उसके बाद बटर को हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था लगभग 1 टेबल स्पून, इसे हम डाल देंगे और अच्छे से इसे इसी के साथ भून लेंगे। तो ये थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। ये लगभग 1 से 2 प्याज है बड़े साइज का, तो इसे बारीक इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और प्याज को भी लगभग 2 से 3 मिनट तक ब्राउन होने तक भून लेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे पकाना है कि ये थोड़ा सा मुलायम हो जाए। तो यहाँ मैंने 1 ग्रीन चिली भी डाल दिया है कट करके, और ये थोड़ा सा मटर है, मटर भी हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना इसमें स्किप कर दीजिए। आप कोई भी हरी सब्ज़ी भी मिला सकते हैं, जो बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं इस तरीके से आप उन्हें हरी सब्ज़ियाँ भी खिला सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया था। अब ये मैश किए हुए आलू हम इसमें डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे अच्छे से। लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब इसी में हम डाल देंगे ये टमाटर प्यूरी भी, और इसे भी मिक्स कर देंगे। और चॉपर में जो लगा हुआ है उसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी धुल के इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो तवे में भी आप बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद आता है। तो एक बार इस तरीके से स्ट्रीट फूड को अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा बॉयल होने देंगे, और इसी में हम डाल देंगे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून सांभर मसाला। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बराबर इसे चलाते रहेंगे कि ये खूब अच्छे से पक जाए। और लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें जल्दी लगने का भी डर रहेगा, तो इसलिए इसे बराबर हम चलाते रहेंगे। आंच को हम मध्यम ही रखेंगे, ना ज़्यादा लो करना है और ना ही ज़्यादा हाई करना है। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार।
आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च आता है तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला है, वो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं, इसमें कलर और अच्छा लाना चाहते हैं, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम बराबर चलाते हुए इस तरीके से और अच्छे से पकाएंगे कि जब तक ये बिल्कुल आधा ना हो जाए। अब ये देखिए अच्छे से हमारा पक के रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 25 ग्राम लगभग, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून बटर फिर से, और बटर को अच्छे से चला के इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और अच्छे से इसे चला के थोड़ी देर खुला बिल्कुल पकाएंगे, और ये फिर गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए इसे अपने पाव के साथ। तो ये देखिए लगभग अब तैयार हो गया है इस तरीके से। अब इसे हरी धनिया पत्ती से गार्निश कीजिए और इसे भी मिक्स करके हम एक साइड में रख देंगे। तो एक बार इस तरीके से पाव भाजी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा बना के घर पर। तो यहाँ हम ले लेंगे कोई तवा और इसमें थोड़ा सा बटर हम इस तरीके से लगा देंगे, और बटर में ही डाल देंगे हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर किया है। तो इसे अच्छे से इस तरीके से हम इसे गरम कर लेंगे पाव को अपने। अब ये देखिए गर्मा गर्म पाव भाजी बनके रेडी है खाने के लिए। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।